बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। बात जरूरी समझ लो भैया, वरना कल पछताओगे। पेड़ नहीं होंगे तो सोचो तुम कैसे जी पाओगे। इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, इनसे अपना रिश्ता जोड़ो, दूरी नहीं बनाओ। पेड़ों से जीवन मिलता है, मिलती है खुशहाली। नहीं जहाँ है पेड़ वहाँ पर सूखा और बदहाली। अगर चाहते हो जीवन का पहिया कभी रुके ना, दूषित जलवायु से सांसों की लय कभी थके ना। गांव गांव बस्ती बस्ती तक, गाँव गाँव बस्ती बस्ती तक हरियाली पहुँचाओ। पेड़ों से फल फूल परिंदों को आश्रय मिलता है। आदिवासी लोगों का इनसे जीवन चलता है। सावन में पेड़ों से बादल भी टकराते हैं। बारिश होती नदियां ताल कुएं भर जाते हैं। एक पेड़ भी अगर काटना, एक पेड़ भी अगर काटना हो, 10 पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ। सदियों से नदियां हम सबकी प्यास बुझाती हैं। इन्हें सूखता देख आज आंखें भर आती हैं। नदियों से हैं पेड़, पेड़ों से नदी सुरक्षित रहती। इनके साये में ही नदियां निर्मल विरल बहती। नदियों का सम्मान यही है, नदियों का सम्मान यही है, तट पर पेड़ लगाओ। पेड़ बचाओ। हम भारतवासी गायों को माता कहते हैं। पेड़ पूजते हैं, इनमें भी ईश्वर रहते हैं। ओएन शर्मा जी ने एक संकल्प उठाया है, श्रीनाथ गौशाला का निर्माण कराया है। ऐसे पुण्य कार्य से जुड़कर,
ऐसे पुण्य कार्य से जुड़कर उनका हाथ बटाओ, पेड़ बचाओ।